हाँ भाई, 10 पाकिस्तानी लड़कियां साउथ कोरिया पहुंच गई हैं, ना ये लेबर वीजे पे गई हैं, ना ये प्रोफेशनल वीजे पे गई हैं, ना ये वेल्डिंग करने के लिए गई हैं, ना ही वहाँ पे ये घूमने फिरने विजिट पे गई हैं, बल्कि ये स्पोर्ट्स वीजे पे गई हैं। जाने की तलब होनी चाहिए, रस्ते बहुत से ज्यादा हैं, जिसमें टोटल 11 ममालिक है साउथ कोरिया को मिला के। 11 ममालिक के दरमियान ये चैंपियनशिप होने जा रही है, जिसमें मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, भारत और जापान है, और दूसरी तरफ सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनाई, ताइवान, कोरिया और पाकिस्तान है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त होना है। पाकिस्तान लड़की जो कैप्टन है इसमें, वो हामना गुल है, मगर ये वीडियो में आप देख सकते हैं सब हेलो हाय कह रही हैं, ये थकी हुई है। 12 घंटे से 18 घंटे की जब फ्लाइट होती है ऐसे ही लगता है, मगर अल्लाह कह रहे हैं कि ये स्ट्रांग हो, इस तरह ढीली ढीली रहेंगी तो मुझे नहीं लगता ये चैंपियनशिप जीत पाएंगी। और बाकी लड़कियों को देखा है, इतनी फिट और इतना एक्टिव, पता नहीं सफ़र किया ही नहीं है, सीधा आराम सुकून से सो के उठ के अभी आई हैं, फ्रेश हैं। पाकिस्तानी लड़की अभी से थकी हुई है, बस दुआ कर सकते हैं जिस तरह के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए करते हैं, मगर ये यकीनन कुछ ना कुछ काबिलियत है तो यहाँ तक पहुँची है। आप में भी कोई ना कोई काबिलियत होगी तो आपके लिए किसी मुल्क की सरहद आपको रोक नहीं सकती है। काबिलियत पैदा करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर साउथ कोरिया पहुँच जाएंगे। बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तानी लड़कियों, पाकिस्तानी टीम के लिए। अल्लाह हाफिज़।